Class 5, very good morning. Actually, we have studied about adjectives of comparison yesterday and articles. Okay, today I will come with chapter for noun. Okay, this is the second parts of a speech. Pronouns. At first, try to understand what is pronoun. A word used instead of noun is called pronoun. Then our question is, what is noun? From childhood, we have been studying naming word is called noun. All the naming words are called noun. Name is the person, place, animal, things, feeling or idea is called noun. Okay. So a word used instead of a noun is called pronoun. Joseph noun के बदले यानी संज्ञा के बदले प्रयोग की जाती है उसे pronoun कहते हैं. जब कभी हम लोग कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें एक बार noun लिखने के बाद हमें उस जगह पर pronoun यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग महात्मा गांधी के बारे में लिखेंगे, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट मॉडर्न लीडर. उसके बाद यूज करेंगे ही वाज ओके ही वाज डॉट 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 डॉट. तो उसके बाद हम लोग उनके जगह पर यानी महात्मा गांधी की जगह पर ही यूज करेंगे तो वहाँ वो प्रोनाउन हो जाएगा. ओके हम लोग को समझना है प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की थोड़ा बात कर ले. पर्सनल प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउन. ओके तो सबसे फर्स्ट जो पार्ट है काइंड्स है प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन. तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन अ प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन. लिसन अगेन, अ प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड अ प्रोनाउन. तो अब पर्सन के बारे में हम लोग समझेंगे थोड़ा. पर्सन जैसे कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही सी इट. ओके स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन. जो बोलता है जैसे मैं बोल रहा हूँ तो माई फर्स्ट पर्सन हुआ यानी आई और मी. कोई बोलेगा तो वो आई और मी होगा उस टाइम के लिए, तो वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा. सेकेंड पर्सन लिसनर इज द सेकेंड पर्सन, मतलब आप सुन रहे हो तो यू लिसनर हो गए यानी सेकेंड पर्सन. एंड थर्ड पर्सन टॉक अबाउट होम एनी बडी एनी थिंग्स, किसी के बारे में बात कर रहे हैं. सपोज डैट मोहन इज अ ब्रेव बॉय, तो मोहन के बारे में यहाँ बात की जा रही है तो मोहन यहाँ थर्ड पर्सन हो जाएगा. तो ही सी इट नेम एनी नेम वो थर्ड पर्सन हो जाएगा. तो पर्सनल प्रोनाउन को समझने के दौरान हम लोग को पर्सन भी समझना था यानी देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ओके पर्सनल प्रोनाउन के दौरान जैसा कि हम लोग पढ़े हैं आई और मी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन एंड ही सी इट और नेम थर्ड पर्सन. ओके आगे हम लोग चलते हैं डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है पहले हम लोग समझेंगे. डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है? जैसे कि हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर में डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़े थे. अ प्रोनाउन दैट इज यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विच इट रेफर्स टू इज कॉल्ड डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके तो एक एग्जाम्पल है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन स्टूडेंट्स, दिस इज अ पेन. और एक दूसरा एग्जाम्पल हम लिखने जा रहे हैं, दिस बुक इज अ नोवेल. यहाँ देखिए यहाँ भी दिस है यहाँ भी दिस है. तो अकॉर्डिंग टू हम लोग डिफिनेशन पढ़े हैं अ पर्स अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट. यहाँ पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है पेन, कि दिस इज अ पेन. ओके ये ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है. लेकिन दूसरा जो एग्जांपल है
दिस बुक इज अ नॉवेल, यहाँ भी दिस है यहाँ भी दिस है, तो यहाँ क्या डिफरेंस है? दोनों तो यह दोनों प्रोनाउन है अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, ये दिस ईयर प्रोनाउन, यहाँ दिस प्रोनाउन है, जबकि दूसरी जगह ऑन द अदर साइड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बुक इज नॉवेल, हियर दिस इज एडजेक्टिव. व्हाई? ऐसा क्यों? देखो स्टूडेंट, दिस के बाद यहाँ क्या है, बुक है जो कि नॉन है, यानी हम लोग एडजेक्टिव में पढ़े हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव. तो यहाँ जो दिस है वो बुक को डिस्क्राइब कर रहा है, दिस बुक इज अ नॉवेल, यानी दिस के बाद एक नॉन है जो कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है, इसलिए यहाँ दिस एडजेक्टिव हो जाएगा जबकि दिस यहाँ प्रोनाउन हो जाएगा. बस ओके स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ गए. कुछ एग्जांपल और बता दिया जाए आप लोगों को. दिज आर गिज, तो दिज यहाँ क्या हो जाएगा, दिस डैट दिज दोज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा. उसके बाद एक और एग्जांपल बता दो, दिज गिज आर ब्यूटीफुल, तो यहाँ दिस गिज यानी दिस के बाद जस्ट क्या है, नॉन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, दिस यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. अ प्रोनाउन दैट इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में एडजेक्टिव में भी पढ़े थे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में फिर डिफरेंस समझेंगे. विच इज योर हाउस, विच इज योर हाउस, विच ईयर प्रोनाउन, विच हाउस इज योर्स, तो यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड्स यानी विच के बाद हाउस है जो कि नॉन ली है, नॉन है, तो यहाँ विच हाउस इज योर्स दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव हो जाएगा. समझेंगे एग्जाम्पल से, विच इज योर हाउस, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, एक्चुअली इंट्रोगेटिव सेंटेंस. Which house is yours? Sign of question. इस दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम लोग को यह समझना है कि विच पोजिशन ऑफ विच या विच और नॉट है. जबकि विच या एडजेक्टिव है. इसको अंडरलाइन कर करके हम लोग पी इंडिकेट कर सकते हैं, जबकि यहाँ ए डी जे. एक्चुअली क्यों हम लोग इसमें समझेंगे, विच के यहाँ बाद यहाँ कोई नॉन नहीं है, जबकि यहाँ विच के बाद एक क्या है, नॉन है, नॉन है. एडजेक्टिव में जैसा कि हम लोग डिफाइन करते हैं कि डिस्क्राइबिंग वर्ड अदरवाइज अ वर्ड टेल्स अबाउट नॉन और प्रोनाउन, तो यहाँ इस हॉस के बारे में बताया जा रही है, इसलिए यहाँ यहाँ एडजेक्टिव विच यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा, जबकि यहाँ विच फर्स्ट सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर फर्स्ट विच ईयर प्रोनाउन, नंबर सेकंड सेंटेंस विच ईयर एडजेक्टिव. ओके स्टूडेंट, आई होप समझा होंगे आप लोग. नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. क्या होता है दिस, द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, व्हेन यूज्ड एज द रिसीवर ऑफ द एक्शन आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिसीवर ऑफ एक्शन समझेंगे कि उस पर काम का दबाव होता है, उस जो भी काम करता है उसको, उस काम को उसको क्रेडिट दिया जाता है, उसको रिसीवर ऑफ एक्शन कहते हैं. थ्रू दिस एग्जांपल हम लोग समझेंगे, आई एंजॉयड माई सेल्फ, आई एंजॉयड माई सेल्फ, माई सेल्फ हियर व्हाट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. वी एंजॉयड आवर सेल्फ, आवर सेल्फ हियर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. शी एंजॉयड हर सेल्फ, हर सेल्फ हियर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अनदर टाइप, आई एम गोइंग टू द अनदर टाइप, इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस. कुछ एग्जाम्पल पहले, तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं. अ प्रोनाउन यूज टू कन्वे इम्फेसिस इज कॉल्ड इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. लुक दैट, आई माई सेल्फ सॉ हिम कमिंग, तो यहाँ माई सेल्फ पर फोकस किया गया है कि
किया जा रहा है, इम्फैटिक किया जा रहा है, इम्फेसाइज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ माइसेल्फ इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हो जाएगा। सी हरसेल्फ टोल्ड मी सो, अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, सी टोल्ड मी हरसेल्फ, सी टोल्ड हरसेल्फ, तो वहाँ हरसेल्फ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर हम इसको बोले सी हरसेल्फ टोल्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव इम्फेसाइजिक प्रोनाउन हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेसाइजिक। ही इन्फॉर्म द प्रिंसिपल हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यहाँ क्या हो जाएगा, इम्फेसाइजिक प्रोनाउन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये टाइप ऑफ प्रोनाउन था। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है और लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउंस। जैसा कि हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव के भी बारे में पढ़े थे, तो यहाँ हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोसेसिव प्रोनाउन एंड पोसेसिव एडजेक्टिव। ओके, लुक एट द ग्रीन बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। That is my car. Students, our question to you all, कि यहाँ my क्या है, possessive pronoun है, otherwise possessive adjective है, आप लोग बताएंगे। Sentence number two, that car is mine. Okay, students. यहाँ आप लोग को माइंड के बारे में बताना है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, अदरवाइज पोसेसिव प्रोनाउन है। चलो समझते हैं। इन सेंटेंस नंबर फर्स्ट, माइंड क्वालिफाइज द नाउन। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ते हैं, बार बार आपको मैं बता रहा हूँ कि जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है या डिस्क्राइबिंग करता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान देने की बात है, कार मीन्स नाउन, जो माई है कार को इम्फेसाइज कर रहा है, कार के बारे में बता रहा है, कार को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको, ये आई थिंक समझ गए होंगे, एडजेक्टिव होगा ये। माई यहाँ क्या हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव होगा, जिसको हम लोग बी और ए से इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, इन द फर्स्ट सेंटेंस माई क्वालिफाइज द नाउन कार, सो माई इज एन एडजेक्टिव, वी नो दैट इट इज अ पोसेसिव एडजेक्टिव। सेंटेंस नंबर टू सेज द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे, वही चीज है लेकिन अलग वे से कहा जा रहा है। इन दिस सेंटेंस माइंड इज अ प्रोनाउन, जबकि यहाँ माइंड क्या था, वो पोसेसिव प्रोनाउन है, प्री प्रोनाउन, जिसको लोग पोसेसिव प्रोनाउन से समझ सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग समझे होंगे। एट द लास्ट आई रिपीट, अगेन आई रिपीट, प्रोनाउन एंड टाइम्स ऑफ प्रोनाउन, a word used instead of a noun is called pronoun. There are kinds of pronoun. If we are talking about kinds of pronoun, then first one demonstrative pronoun, second one possessive pronoun, interrogative pronoun, reflexive pronoun, emphasizing pronoun and possessive pronoun. Okay student, that's all. I hope we will understand this chapter. In the live, during the live class, we will discuss about problem questions and whatever exercise has given, we will do at that moment or that time. That's all, student. Thank you. Take care.